हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पा आपके सामने नया रेसिपी के साथ आ गई हूँ। वो है पालक परोठा। पालक परोठा खाने से कितना बेनिफिट्स है मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। मेरा वीडियो आप लोग अंत तक देखिए। इसको बनाने के लिए अपने घर में है सो चीज़ें ही बस है। यहाँ मैं एक बाउल लिया है, उसमें 2 कप आटा डाल रही हूँ। यह आटे में मैं 1/2 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, धनिया, मेथी के दानों को अच्छी तरह से कूट लिया है दरारा, उसमें थोड़ा अजवाइन भी डाला है, 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसको एक बार हल्का सा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हम जो पाउडर डाले हैं आटे में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद में हम पालक डालते हैं। पालक में 2 स्पून पानी डाल के पालक को थोड़ा सा उबाला है, ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादा उबाले तो कलर चले जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा उबाला है, ना इसमें कुछ भी नहीं डाला मैं। अभी मैं 1/4 स्पून अदरक लहसुन डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, चाहिए तो डालिए, नहीं तो नहीं अवॉइड कर दीजिए। इसको अभी एक बार अच्छा मिक्स कर लेते हैं। पालक डालने के बाद इसको एक बार अच्छा से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि पालक में ऑलरेडी थोड़ा पानी रहता है। अच्छा मिक्स करने के बाद देख के पानी डालना है, पानी भी ज़्यादा नहीं लगेगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, देखिए अच्छा मिक्स हो गया है। अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। जितना पानी चाहिए उतना ही डालिए, ज़्यादा एक बार डाले तो पूरा लूज़ लूज़ हो जाएगा। हमको रोटी का आटा जैसा भिगाते हैं वैसा ही भिगाना है। चाहिए तो आप लोग इसमें घी या तेल मिक्स कर ले सकते हैं, मगर मैं पूरा आटा भिगाने के बाद 2 स्पून तेल डालती हूँ, ऊपर से डाल के एक बार मिक्स करके रख देती हूँ। आप 1/2 घंटा भी रख सकते हैं, 15 मिनट भी रख सकते हैं। मैं 1-15 मिनट के लिए रख दे रही हूँ। ज़्यादा देर भी रखना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पालक है इसमें। आटा तो रेडी हो गया है। अभी मैं इसको 15 से 20 मिनट तक साइड में लगा देती हूँ, उसके बाद में निकालूँगी। 15 मिनट तो हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो एकदम नरम बन चुका है। जो हम रोज़ बनाते हैं रोटी, उतना ही साइज़ लिया है मैं। देखिए छोटा ही लोई लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, मीडियम साइज़ का लिया है। आप लोग चाहिए तो 1 ड्रॉप ऑयल डाल के भी इसको बेल सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आटा डाली हूँ, आटा डाल के इसको बेल लेती हूँ। उतना पतला भी नहीं बेलना है, उतना मोटा भी नहीं बेलना है, मीडियम बेलना है। देखिए इस तरह, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है। मैं गैस पे तवा लगा चुकी हूँ, अभी रोटी सेक लेती हूँ। हमेशा ध्यान रखिए, रोटी बनाते वक्त हम लो फ्लेम में जलाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम नॉर्मल रोटी बना रहे तो मीडियम में लगा के कर सकते हैं। ये पालक या मेथी या कौन सा भी रोटी बना रहे हो तो आप लो फ्लेम में बनाइए, अच्छा सा कुक होएगा। हम नॉर्मल चपाती जब बनाते हैं हम मीडियम फ्लेम में लगा के इसको 2 साइड सेक लेते हैं, मगर जब भी हम पालक, आलू या मेथी परोठा बनाते वक्त हम लो फ्लेम में लगा के 2 साइड भी अच्छा से सेक लेते हैं। यह हमारा परोठा अच्छा जलना शुरू हो गया है। देखिए 2 साइड में अच्छा जल चुका है। मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ, चाहिए तो आप लोग बटर भी ले सकते हैं, नहीं तो ऐसा ही खा सकते हैं। 2 साइड में भी घी लगा रही हूँ। पालक परोठा तो बन चुका है। अभी इसका बेनिफिट्स मैं बताती हूँ।
अगर आप लोग 100 ग्राम लिए तो इसमें 26 कैलोरीज रहेगा। फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। चाहिए तो आप लोग पाउडर भी बना के स्टोर करके रख ले सकते हैं, नहीं तो रोज़ जूस में लीजिए। अगर आप लोग सलाड बना रहे तो सलाड के उसमें पालक मात्र ज़्यादा लीजिए। परोठा का कॉम्बिनेशन है दही, नहीं तो कौन सा भी अचार। मैं आज पनीर बनाया है, हमेशा मैं टेस्ट करके बोलती हूँ कैसा है। आज मेरा बेटी है मेरे साथ, वो बोलेगी कैसा है। ये देखने में बहुत यम्मी और गरम गरम दिख रहा है, तो अभी मैं इसको टेस्ट करने वाली हूँ। परोठा भी देखो दो साइड से अच्छे से पक के कितना टेस्टी दिख रहा है। अभी मैं इसको पनीर मसाला के साथ खाके बताती हूँ कैसा बना है। क्या खुशबू है, मेरे मुंह में पानी आ जा रहा है इसको देख के। अभी मैं टेस्ट करती हूँ। बहुत यम्मी और स्वादिष्ट है दोस्तों, डेफिनेटली ट्राई करना। परोठा तो मेरा बेटे को बहुत पसंद आया, खाते जा रहा है। आप लोगों को अगर मेरा रेसिपी पसंद आया तो आप लोग भी ट्राई करिए, ट्राई करके कमेंट बॉक्स में लगाइए कैसा बना है। आप लोग अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना भूलिए मत, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों।